Assalamualaikum everyone. So product of the months are these. तो मैं गई थी परसों, बल्कि कल ही गई थी for the grocery. So for my skin care routine, because I just love to put on some mask and scrub. Scrubbing is not my favorite, but mask is my favorite. So most of the things यहाँ पे mask या moisturizer से related है, skin से related है. और ये मेरा फेवरेट पार्ट होता है ग्रॉसरी का. सो दिस वन इज़ द न्यूट्रोजिना हाइड्रो बूस्ट वाटर जेल मॉइस्चराइज़र. सो इफ़ यू गाइज हैविंग अ यू नो ऑयली स्किन, सो उनके लिए वाटर जेल मास्क इज़ सुपर गुड. मैं अभी नंबर 7 का यूज़ कर रही हूँ, दैट इज़ फ्रॉम बूट्स. सो दैट मॉइस्चराइजर इज़ ऑसम. लाइक इट्स अ क्वाइट एक्सपेंसिव. यहाँ पे अगर देखें तो वो 80 dirhams की वन क्रीम होती है. लाइक डे एंड नाइट की डिफरेंट डिफरेंट है, बट ऑफर्स में मैं लेती हूँ. ऑफर्स में मुझे वो 70-60% जो है वो, नॉट 70, सॉरी 40-30% मुझे ऑफ पे मिलता है. बट दिस न्यूट्रोजिना वाटर जेल, ये मैंने इसे 2 बार अप्लाई किया है. सो इट सीम्स गुड. लाइक इसने अच्छा हाइड्रेटेड रखा है स्किन को. बट क्या मज़े की बात यह है कि दिस प्रोडक्ट इज़ रीजनेबल टू. लाइक दिरहम्स में, आई एम टॉकिंग अबाउट इन दिरहम्स बिकॉज मैंने खुद दिरहम्स में बाय किया है. सो यहाँ पे ये आई गेस 38 और 35 का है. सो एज़ कम्पेयर टू यू नो, नाउ यू कैन कम्पेयर दैट द बूट कंपनी, मे बी द बूट इज़ अ यू नो ब्रांड, और क्या कहते हैं वो मेडिकेटेड है, दैट्स वाई वो थोड़ा एक्सपेंसिव है. बट दिस वन इज़ रीजनेबल. सो दिस इज़ द 15 ml बॉटल, दिस वन. मैं इसको खोलूं तो यस, खुल गई क्योंकि एक हाथ पे मेरे सेलफोन है. दिस इज़ द मॉइस्चराइज़र. इट्स अ जेल बेस्ड मॉइस्चराइज़र. सो इफ़ यू हैव द ऑयली स्किन, आई हाईली रेकमेंड यू टू बाय सम जेल बेस्ड मॉइस्चराइज़र, बिकॉज़ अब ये बड़े अच्छे एब्जॉर्ब हो जाते हैं स्किन में, बिल्कुल भी ग्रीसी सा फील नहीं होता. बट इफ़ यू हैव द ड्राई स्किन, डोंट वरी, बिकॉज न्यूट्रोजन हैव समथिंग फॉर यू पीपल टू. कि अगर आपने क्या कहते हैं ड्राई स्किन के लिए लेना है, तो यहाँ पे ये ड्राई स्किन जो है वो मेंशन होता है. बट अगर ये मेंशन नहीं है, तो इट मींस दिस वन इज़ फॉर द ऑयली स्किन. द अदर थिंग फ्रॉम न्यूट्रोजना इज़ दिस फेशियल स्क्रब. ये फेशियल स्क्रब जो है वो मुझे डेली बेसिस पे यूज़, नॉट डेली, लाइक ऑल्टरनेटिव डेज पे मैं यूज़ करती हूँ. मैंने ये बाय किया. मैंने इसे कभी ट्राई नहीं किया, बट होपफुली ये अच्छा रहेगा, क्योंकि मैं हाइड्रो बूस्ट की सीरीज़ की अभी फेस वॉश यूज़ कर रही हूँ, एंड दैट इज़ ऑसम. लाइक इट्स बीन 1 ईयर नाउ और मुझे उसकी आदत लग चुकी है. सो लेट्स सी ये कैसा होता है. इसका मैं कोई रिव्यू नहीं दूंगी, पर ये ऑयल फ्री है. सो मुझे लगा कि मुझे ख़रीद लेना चाहिए, बिकॉज अगेन आई हैव अ ऑयली स्क्रीन स्किन, सॉरी. सो हेयर इज़ द अनदर स्क्रब प्लस मास्क. इट्स फ्रॉम सेंट ईव्स और सेंट आइज, वट एवर यू वॉन्ट टू प्रोनाउंस. सो दिस इज़ अ जेंटल स्मूदिंग ओटमील स्क्रब एंड मास्क. वही मेरी ड्राइनेस है, सर्दियों में मेरी स्किन पे ज़रा सी पैचिनेस आ जाती है, क्योंकि ड्राई स्किन की फॉर्मेशन ज़्यादा हो जाती है. सो दैट्स वाई अबाउट दिस टू क्लियर ऑल दैट. तो ये मास्क है, खैर इसके पीछे इसका तरीका भी होगा, बट मैंने अभी तक इसे एक दफ़ा यूज़ किया है कल रात में. तो इसका ये है कि मैं इसे 5 to 10 minutes के लिए एज अ मास्क इसके मुंह पे अप्लाई करती हूँ. एंड आफ्टर 10 मिनट्स, नॉट 5 मिनट्स, आफ्टर 10 मिनट्स मैं इसको जेंटल सी स्क्रबिंग करके और फिर फेस वॉश कर लिया. तो रिजल्ट नो डाउट बहुत अच्छा था. बट इट क्लेम्स कि इफ़ यू वांट टू सी द गुड रिजल्ट, हाँ, तो यूज़ 3-4 times a week. सो 3-4 times तो मैं नहीं यूज़ करूँगी, मैं वंस इन अ वीक यूज़ करूँगी, बिकॉज मैं दूसरे स्क्रब्स भी यूज़ करती हूँ. सो लेट्स सी कैसा रहता है. एंड हेयर आर माई फेवरेट्स, फेवरेट एवर मास्क. लाइक दिस इज़ अ शीट मास्क. और शीट मास्क मुझे लगता है कि बड़ा हाइड्रेटिंग होता है, लाइक बड़ा रिलैक्सिंग, हाइड्रेटिंग. इफ़ यू आर फीलिंग टायर्ड, जस्ट यू नो फिनिश अ वर्क, क्लोज द लाइट्स ऑफ द रूम, और रिलैक्स होके बच्चों को सुला के आप लेटें और ये मास्क अप्लाई करें. एंड
नॉर्मली 15 to 20 मिनट्स के लिए होता है, बट आई यूजली लाइक मैं 30 मिनट्स भी रखती हूँ और मोबाइल पे कुछ देख लिया कर लिया। तो उसके बाद अगर मैं ये शीट जो है वो उतारूँ तो स्टिल थोड़ा सा जेल जेल होता है इस शीट में, तो वो रहता है, तो मैं उसको एब्जॉर्ब कर लेती हूँ। लाइक इसमें है कि आप कॉटन से रिमूव कर लें, बट नहीं, मैं उस सिरम को या उस जेल को मसाजिंग के थ्रू उसे एब्जॉर्ब कर देती हूँ अपने स्किन में। और मज़े की चीज़ कि आई सॉ दिस प्योर चारकोल फर्स्ट टाइम देयर, तो मैंने ये वहाँ पे ख़रीद लिया बिकॉज़ एज यू नो, और अगर आपको नहीं पता तो लाइक चारकोल हैव द यू नो एक्सेलेंट एब्जॉर्बेंट क्वालिटीज़। लाइक वो आपकी स्किन से, अगर आपकी स्किन में इम्प्योरिटीज़ हैं, और जाहिर सी बात है पोर्स ओपन होते हैं कि नहीं किसकी किसी के, या कोई जो वर्किंग वुमेंस है, लाइक इफ़ यू हैव द इम्प्योरिटीज़ ऑन योर स्किन और इफ़ यू हैव द क्लॉक पोर्स, सो यू शुड गिव इट अ ट्राई विद दिस। लाइक चारकोल वाला फेस वॉश यूज़ कर लें, या मैं चाहूँगी कि मास्क यूज़ करें, मास्क इज़ मच बेटर। लाइक वो स्किन में रहता है, स्टे करता है, सो इट टेक्स टाइम, बट यू नो इट्स डेफिनेटली गिव अ रिजल्ट। सो ये मैं पहली बार यूज़ करूँगी एंड देन लेट्स सी व्हाट विल हैपन। और दिस वन मैंने इस बार ग्रीन में लिया है, नॉट पिंक, क्योंकि मुझे विंटर्स थे और मुझे हाइड्रेट करनी थी, अपनी स्किन को हाइड्रेट करना था, सो दैट्स वाई अबाउट दिस वन। बड़ी ड्राई ड्राई सी स्किन होती है, तो इट्स लाइक वन मास्क इज़ इक्वल टू 1 वीक ऑफ हाइड्रेटिंग सीरम। सो लेट्स सी क्या करते हैं। पिंक मैंने इसलिए नहीं लिया क्योंकि ऑलरेडी मेरे पास एक पड़ा हुआ है। सो 3 वीक्स, लाइक मैं वंस इन अ वीक वीकेंड्स पे नॉर्मली अहमद को सुला के आई यूज़ टू पुट ऑन दीज लाइक ऑन माई फेस, और बड़े मज़े से रिलैक्स किया एंड देन यू नो जस्ट वीकेंड एंजॉय किया। सो मोहम्मद अहमद, व्हाट आर यू डूइंग बेटा? अब आई एम सिटिंग। यू आर सिटिंग, मोहम्मद अहमद इज हियर। सो गाइस, इफ यू लाइक माय वीडियो, अहमद सब्सक्राइब इट, लाइक व्हाट सब्सक्राइब सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोस, बाय। सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोस, बाय।